जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि हमारे पास एक सीट है, जैसे मान लीजिए डेटा टू सीट्स है। अब डेटा टू सीट्स में मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही कुछ टाइप करूं, जैसे ही कुछ टाइप करूं, माने कि मैं जो कोड रन करने वाला हूं वो टाइप करने के साथ रन हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं क्लिक करूं तो कलर हो जाए, तो कलर करने का कोड जो है वो क्या हो जाए, कब रन हो, जब हम कहीं पे क्लिक करें। मतलब कि अभी जो माइक्रोज हमने बनाए वो क्या था, वो डिपेंड करता है कि यूजर कब रन करेगा, राइट। वो रन करना ना करना यूजर के हाथ में है, जो यूज कर रहा फाइल, जो आपके आप यूज कर रहे हो आपके हाथ में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि डिपेंडेंसी खत्म हो, मैं चाहता हूं कि माइक्रो कब रन करना है ये हम और आप नहीं, ये मेरा कंप्यूटर डिसाइड करे। और कंप्यूटर डिसाइड कब करे इसका हम एक रूल्स इनको दे दें। जैसे कि मैंने बोला कि कहीं क्लिक करे तो क्लिक करते ही वो एरिया रेड हो जाए, तो उसके लिए हमने बोला क्लिक करना, तो क्लिक इट मीन सिलेक्शन को चेंज करना। जैसे सिलेक्शन यहाँ है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका मतलब सिस्टम क्या समझ रहा है कि चेंज द सिलेक्शन। सिस्टम ये नहीं समझ रहा है कि क्लिक हुआ है, सिस्टम क्या समझ रहा है, चेंज द सिलेक्शन। तो अब इसका जो माइक्रो लिखाता है वो उसी के अंदर लिखाता है, तो आप राइट क्लिक करके व्यू कोड पे चले जाए सीट के ऊपर, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जनरल है और डिक्लेरेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वर्कशीट पे करना है या वर्कशीट के अंदर कोई बटन बटन है उस पर करना है, तो पूरा वर्कशीट के पूरे वर्कशीट पे करना है। यहाँ से वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन चेंज आ गया, इसके जगह पे और भी चीज़ें हैं। तो सिलेक्शन चेंज पे अगर मैंने बोला कि एक्टिव सेल, मतलब जहाँ कर्सर है, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू बीबी रेड, समझे। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो रेड हो जाए। अब मैंने यहां पे एक्टिव सेल लिया हुआ है ना, तो मतलब जहां क्लिक करता हूं एक्टिव होता है। अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया तो वो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक्टिव को ही करेगा। अच्छा यहां देखिए एक टारगेट है, टारगेट एज रेंज दिख रहा है ना आप यहां पे, वाई वैल्यू को भूल जाइए, ठीक है। तो ये अपने आप ही सिलेक्ट करता है, नहीं अपने आप कलर करता है। हाँ नहीं, जो ऊपर नाम के साथ प्राइवेट सर, हाँ, ये अपने आप ले लेता है, आपको लाने की जरूरत नहीं है, खुद डिफाइन करता है, जैसे आप चूज करते हो उस हिसाब से डिफाइन कर देता है। यहाँ पे टारगेट एज ए रेंज ले लिया, मतलब कि टारगेट क्या है, एक रेंज डेटा टाइप है, तो क्यों ना इस टारगेट को एक्टिव सेल के साथ यूज किया जाए। इससे क्या फायदा हुआ, फायदा समझ में आया आपको। इससे इससे पहले जो एक्टिव सेल था तो हम एक एरिया सेलेक्ट करते थे तो सिर्फ एक सेल सेलेक्ट होता था, यहाँ पे देखिए। अब इसमें हम जितना एरिया सेलेक्ट, हाँ, अब जब मैं टारगेट यूज कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेक्शन चेंज जहाँ पे हो रहा है वो टारगेट, वो एरिया टारगेट पे असाइन हो जा रहा है, समझे। चलिए अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब अगला मेरा है कि मैं सिलेक्शन चेंज पे भी मैं चाहता हूँ जब मैं कुछ चेंज करूँ तो, समझे, मैं चाहता हूँ चेंज करूँ, जहाँ भी मान लीजिए कुछ टाइप करूँ उसके आगे मैं चाहता हूँ कि डेट लिख जाए, मैं किस दिन टाइप कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से वर्कशीट और यहाँ से सिलेक्शन चेंज की जगह पे चेंज आए, और यहाँ पे अब मुझे, अब मान लीजिए कि मैंने डेट यहाँ डाला, डेट डालने के बाद डेट डाला यहाँ पे और एंटर प्रेस किया तो कर्सर नीचे आ गया ना, तो एक्टिव सेल तो A2 हुआ, A1 तो हुआ नहीं, तो यहाँ एक्टिव सेल डाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्योंकि टाइप करने के बाद हो सकता है कोई टैब प्रेस कर दे, कोई एंटर प्रेस कर दे, कोई एरो की प्रेस कर दे, क्या। तो इसके लिए हम यहाँ टारगेट लेते हैं, क्योंकि पता है कि जहाँ पे यूज हो रहा है वो टारगेट पर असाइन हो जाता है, जहाँ पे टाइप हो रहा है वो टारगेट पे असाइन हो जाता है, उसका नाम टारगेट हो जाता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे टारगेट डॉट ऑफसेट, क्योंकि उसके बगल में चाहिए ना हमको डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। अब इसको हम नहीं रन कर सकते, क्योंकि फिर इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए जो कल आप नहीं समझे थे, क्या है कि जहां पे हमारा टाइप हो रहा है,
तो हमारा एक कोड कब रन कर रहा है? जब हम कुछ टाइप कर रहे हैं, राइट? और कोड क्या कर रहा है? डेट टाइप कर रहा है। तो जो डेट टाइप हो रहा है वो भी एक टाइप है। जैसे कि किसी किसी के आपको बोला कि किसी, आप मान लीजिए आप गेट पे खड़े हो, आपको कहा गया जैसे कोई गेट से अंदर आए उसको बाहर कर दो, आपका काम जो भी हो गया। और उसका काम होगा, उस सामने वाले को बोल दिया गया कि जैसे ही तुम अंदर जाओ अंदर वाले को बाहर कर दो, तो क्या होगा? ये वर्क होगा, सक्सेस होगा। वो आपको बाहर करेगा, आप उसको बाहर करोगे, वो आपको बाहर करेगा, आप उसको बाहर करोगे। कोई स्टॉपेज पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि जैसे आप बाहर होगे वो अंदर आ जाएगा, वो जैसे वो अंदर आएगा आपको बाहर कर देगा। उसी तरह से क्या होगा कि जैसे ही आप टाइप करोगे डेट टाइप होगा, जैसे डेट टाइप होगा फिर वापस सिस्टम डेट टाइप करेगा, फिर डेट टाइप करेगा, फिर डेट टाइप करेगा। तो डेट टाइप होता रह जाएगा, अंदर एंड ही नहीं होगा। समझे पूजा जी? समझ में आया आपके? अभी नहीं सर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन हम क्या कर रहे हैं कि अब जो इवेंट रन होने का जो प्रोसीजर है हम उसी को बंद कर दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, नहीं वर्कशीट फंक्शन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, डॉट एनेबल इवेंट्स, हमने बोल दिया फॉल्स। हमने बोला कि जब डेट टाइप हुआ सबसे पहले क्या करेगा कि जो इवेंट पे बार बार काम होता है, मैं टाइप होने से जो काम होता है, सिलेक्शन होने से जो काम होता है, उस ऑप्शन को भी तुम फिलहाल बंद कर दो, और उसके बाद डेट को टाइप करो, और जब तुम्हारा डेट टाइप हो जाए तो फिर उस ऑप्शन को चालू कर दो, ताकि दोबारा जब हम टाइप करें तो फिर क्या हो, वापस मेरा ये इवेंट चले। समझे? तो कहने मतलब है कि जो सिस्टम अगर कुछ टाइप करेगा तो सबसे पहले वो इवेंट को बंद करके फिर टाइप करेगा, और टाइप करने के बाद फिर इवेंट को चालू कर देगा। समझाया? अब जैसे मैंने यहाँ पे आपका नाम लिखा पूजा, एंटर मारा, इसके बगल में देखिए डेट आ गया, आ गया, क्लियर है? और इसमें हम कोई भी डेट सेट कर सकते हैं? हाँ, इसके साथ कुछ भी, डेट के जगह कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। समझे? अब इसमें हम चाहते हैं कि अब हम कल वाली क्वेश्चंस पे आते हैं कि मुझे डेट टाइप नहीं करना है। अगर मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर वो फॉर्मूला एरर दे रहा है तो क्या करे? उस एरर को डेटा नॉट फाउंड से रिप्लेस कर दे। ठीक है? तो मैंने यहाँ फॉल्स तो रहने देता हूँ, ट्रू भी रहने देता हूँ इस पे। अब टारगेट को यहाँ पे चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ डिम एफ एज ए स्ट्रिंग, और एफ इक्वल टू हम यहाँ लिखते हैं कि टारगेट डॉट फॉर्मूला। ठीक है? टारगेट डॉट फॉर्मूला, और फिर f इक्वल टू हम करते हैं, नहीं टारगेट डॉट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमें सिर्फ डेटा चेंज करना है ना। तो हम यहाँ पे जी जी एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो तो आप मुझे भेज दो, मैं आजकल मैं देख लूंगी, क्योंकि मेरे को ऑफिस के लिए भी निकलना है, लेट हो, ज्यादा टाइम नहीं, मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में खत्म कर देता हूं, 2 मिनट, मतलब मैं भी खुद भूल जाऊंगा। हमने लिख दिया f एज ए बूलियन, f इक्वल टू हमने यहाँ पे किया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट इज एरर, राइट? इज एरर में हमने डाल दिया टारगेट, ठीक है, टारगेट डाल दिया, टारगेट डॉट वैल्यू, माफ कीजिएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स, अगर एरर हुआ तो ट्रू इस पे स्टोर होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा देन इफ एफ इक्वल टू ट्रू देन टारगेट डॉट वैल्यू इक्वल टू डेटा नॉट फाउंड इन द इंग्लिश, सिंपल सा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ,
लेकिन जैसे कोई फॉर्मूला लगाया जिसका रिजल्ट एन ए है, जैसे एंटर मारा वो डेटा नॉट फाउंड हो गया। एन ए क्या करता है, एन ए का फॉर्मूला एरर देता है, एन ए एरर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे यहीं पे इस वैल्यू को डिवाइड बाई जीरो कर देते हैं, जैसे डिवाइड बाई जीरो लेके एंटर मारेंगे तो डी आई वी का एरर आना चाहिए, तो डी आई वी का एरर के जगह पे वो डेटा नॉट फाउंड शो कर देगा।